जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों। हंटर 350 बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन इस बाइक को लेकर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन बन चुका है। इसके माइलेज को लेकर बहुत सारे लोग इसका कुछ भी माइलेज बता रहे हैं। एक वीडियो मैंने देखी जिसमें कि इसका माइलेज जो है 20 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर बताया गया है। एक वीडियो मैंने देखी जिसमें कि 45 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज इसका बताया गया है। दोस्तों मैंने इस बाइक को लगभग 9000 किलोमीटर 9000 किलोमीटर जो है रन कर लिया है, और 9000 किलोमीटर चलाने में मैंने बहुत बार इसका माइलेज टेस्ट किया है, और आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं कितना माइलेज इससे ले रहा हूँ। बिल्कुल भी कोई बात फेक नहीं बताऊंगा। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको बिल्कुल बढ़िया और सच्ची वीडियोस देखने का शौक है। तो दोस्तों बात शुरू करता हूँ। बुलेट अड्डा जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिए दोस्तों, हंटर 350 डेफिनेटली बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं। जब से बाइक आई है ना, बहुत सारे लोग इसको लगातार सोच रहे हैं कि भाई हाँ मैं इसको खरीद लूँ। क्लासिक की डिमांड थोड़ी कम हो रही है, हंटर की डिमांड बढ़िया चलती जा रही है। मैं जो इससे माइलेज टेस्ट जब मैंने किया, या हर बार जो मुझे माइलेज मिल रहा है, वो मैक्सिमम इससे 40 किलोमीटर पर लीटर तक का मैंने माइलेज जो है अचीव किया है, मिला है मुझे, कोई झूठ बात नहीं है। और कम से कम जो माइलेज मुझे इस बाइक से मिला है वो मिला है 34 किलोमीटर पर लीटर का। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे कंडीशन में कैसे कैसे माइलेज मिला है। ओवरऑल अगर मैं इसकी माइलेज की बात करूं तो मुझे अभी हाईवे पे ज़्यादातर जो मेरा एरिया होता है जहाँ पर मैं बाइक को चलाता हूँ, हाईवे होता है, और हाईवे पर लगभग अब मुझे 37, 38, 39 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज जो है मिल रहा है। और मैं ये कहूँगा कि एक अच्छा माइलेज है, बहुत बढ़िया मैं इसे नहीं कहूँगा, क्योंकि क्लासिक 350 का ही मैंने माइलेज टेस्ट किया था जहाँ पर मैंने उससे 42 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज जो है लिया था। तो दोस्तों क्लासिक 350 इतना माइलेज नहीं दे पाई हंटर 350, लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई इसका 25 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज है, इसका 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज है, वो बिल्कुल ही गलत है। और जो भाई मेरा ये कह रहा है कि 45 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज है, मुझे नहीं पता उसने कैसे मिल गया है, लेकिन इतना माइलेज नहीं मिल पा रहा है इससे। हो सकता है कि आगे कुछ थोड़ा बहुत और चल के थोड़ा सा और माइलेज इम्प्रूव हो जाए। दो सर्विस अभी तक मेरी बाइक की हुई है, और जिन भाइयों का माइलेज कम आ रहा है कोई भी कन्फ्यूजन मत करो। आप बिल्कुल अगर आराम से चलाओगे, तरीके से इसको ड्राइव करोगे, तो मैं आपको डेफिनेटली गारंटी दे रहा हूँ बिल्कुल कि आपको आराम से 35 से 38, 39 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज बिल्कुल प्यार से मिल जाएगा। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तो वे चीज़ें क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि आपको जो पेट्रोल डलवाना है, जो फ्यूल डलवाना है, वो विश्वसनीय पेट्रोल पंप से ही डलवाना है। आपके नज़दीकी कोई रिलायंस का पेट्रोल पंप हो, या किसी ब्रांड अच्छे ब्रांड का पंप हो, अच्छी उसकी रेपुटेशन हो, आपको पता हो कि भाई हाँ ये बंदा जो है अच्छा ही फ्यूल देता है, वहीं से डलवाना। ऐसा नहीं आप कहीं से भी जाके कहीं भी डलवा लो, तो ये आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी, पहला पॉइंट। दूसरा दोस्तों जो पॉइंट है जो ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते, वो है एयर प्रेशर। टायर में एयर प्रेशर सही होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके टायर में एयर प्रेशर कम है तो माइलेज का डेफिनेटली फर्क पड़ता है। मैं टायर का एयर प्रेशर बताता हूँ। जो फ्रंट वाला टायर है, अगला जो टायर है, उसमें आपका एयर प्रेशर होना चाहिए 26-27 के लगभग, और जो पिछला जो टायर है उसमें आपका एयर प्रेशर होना चाहिए 32 से 35 के बीच में, इतना एयर प्रेशर आप रखें। इसके अलावा दोस्तों तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इस पे भी लोग नहीं सोचते कि भाई इससे ही माइलेज का फर्क पड़ सकता है क्या, वो है दोस्तों चैन का लुब्रिकेशन। अगर आपकी चैन जो है सही नहीं होगी, ढीली होगी ज़्यादा या टाइट चलेगी, तो वो भी माइलेज पर फर्क डालती है। वो हर एक चीज़ जहाँ पर उसको ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है इंजन को, वो आपके माइलेज पर इफेक्ट डालेगी। तो चैन का लुब्रिकेशन परफेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए बिल्कुल, चैन ढीली नहीं होनी चाहिए, बहुत टाइट भी नहीं होनी चाहिए, इसका आप ध्यान रखें। चौथा ये जो दोस्तों चीज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि आप सही समय पर गियर रेशो बदलें अपना, और एक सही स्पीड पर बाइक को चलाएं, ज़्यादा करके एक लगातार एक स्पीड कायम रखें। आपको कोशिश करें 70-80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर आप ना ड्राइव करें, और आप सही समय पर गियर जो है चेंज करें। मतलब गियर ऐसा नहीं कि पहले गियर में आप 40 तक चला रहे हैं, दूसरे गियर में 60 तक चला रहे हैं, ऐसा नहीं। तो आप सही समय पर गियर का रेशो रखें, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आप फॉलो करें,
और मैं आपको बताता हूँ कि मुझे 40 किलोमीटर तक का माइलेज जो है कैसे मिला है हाईवे पर। अगर मैं हाईवे की बात करूँ तो मुझे 40 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज मिला है, लेकिन वो एक ही बार मिला है। और अगर मैं ट्रैफिक वाली जगह पर बात करूँ, सिटी के अंदर अगर मैं बात करूँ, तो दोस्तों मुझे जो माइलेज मिला है इस बाइक से वो मिनिमम 32 मिला है जब ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा था। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि 25 किलोमीटर किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मुझे मिला हो, इतना कम कभी नहीं मिला। तो पता नहीं कैसे लोगों को इतना कम माइलेज मिल रहा है, लेकिन मुझे 32 से कम माइलेज जो है नहीं मिला। और आप जो मैंने चीज़ें आपको बताई है फॉलो करिए और देखिए, आपको डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा, बढ़िया माइलेज मिलेगा अगर जिस मेरे भाई को कम माइलेज मिल रहा है। और बिल्कुल भी ये कन्फ्यूजन मत रहिए कि इस बाइक का माइलेज 20-25 है। तो दोस्तों ये एक वीडियो थी उन लोगों को क्लियरिटी देने के लिए जो लोग हंटर खरीदना तो चाह रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं कन्फ्यूज हो रहे हैं कि भाई इस बाइक का माइलेज बहुत कम है, इसको मत खरीदो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो माइलेज था वो मैंने बिल्कुल रियल आपको बता दिया है। आज की वीडियो में इतना ही था, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जय हिंद, टेक केयर।